सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स 4 के राइटर क्रिस्टोफर और स्टीफन के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि अब इन्फिनिटी वॉर मूवी को रिलीज होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इस बीच इस फिल्म के राइटर क्रिस्टोफर और स्टीफन ने ये कहा है कि काफी फैंस ये सोच रहे हैं कि इन्फिनिटी वॉर एक आधा पार्ट है, उसके बाद अवेंजर्स 4 उस मूवी को खत्म करेगी। तो उन लोगों ने कहा है कि आप ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हम उनमें से नहीं है कि आपको एक बड़ी पिक्चर के दो पार्ट कर दिखाए जिनमें हम आपसे टिकट के पैसे ले सिर्फ आधे पार्ट दिखाने का। वेल, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस पार्ट में आप को पूरी स्टोरी मिलेगी और फिर अगला पार्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ही उसकी कंटिन्यूएशन होगी। इस फिल्म में जो वॉर दिखाई जाएगी वो इसी फिल्म तक रहेगी और फोर्थ पार्ट बिल्कुल अलग है, जिसके बारे में उन्होंने ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना देते हुए सिर्फ ये कहा कि फोर्थ पार्ट कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि हमने क्या बनाया है, क्योंकि इस पार्ट की इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी लीक नहीं हुई है। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप जाकर कहीं पर भी ढूंढ लो कि आपको अवेंजर्स 4 की स्टोरी के बारे में या फिर इस फिल्म में क्या चल रहा है उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं। वेल, तो इनकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि अब तक हमें ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है जिससे कि हम ये दावा कर पाए कि अवेंजर्स 4 की स्टोरी क्या है और इस फिल्म में चल क्या रहा है। हालांकि इन्फिनिटी वॉर मूवी जब बनी भी नहीं थी तभी से सब लोगों को ये पता था कि इस फिल्म में थैनोस इन्फिनिटी स्टोन लेने आएगा। लेकिन बात करें फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट की ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता है लोगों को कि इस फिल्म में थैनोस का रोल क्या है, और क्या थैनोस इन्फिनिटी वॉर के एंड में बच गया है या मर गया है इसकी भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। क्योंकि फोर्थ पार्ट की अगर बात करें तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो फिल्म टाइम ट्रेवलिंग पर है, उसे छोड़कर बाकी कोई भी चीज किसे भी नहीं पता है। वेल, तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस फिल्म के राइटर जो कह रहे हैं वो चीज सही है या गलत। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।